बच्चों, वेलकम टू द स्पंदन अकेडमी क्लास, सब्जेक्ट हिंदी, कक्षा 5। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में काल को समझाऊंगी कि काल क्या होती है। सबसे पहले हम काल की परिभाषा को पढ़ेंगे। जिससे कार्य होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। काल क्या होते हैं? जिससे हमें उस समय का ज्ञान हो कि वह कब किया गया है, उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। भी कार्य जिस समय पर हुआ होगा या हुआ था, उस समय का ज्ञान उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? वर्तमान काल को। वर्तमान काल क्या होता है? हमारा जो चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। जिससे वर्तमान समय में कार्य का ज्ञान हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या है? जिससे वर्तमान समय में कार्य का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण के लिए, नूतन खाना खा रही है, गीता पुस्तक पढ़ रही है। अब हमारा दूसरा काल कौन सा होता है? भूतकाल। भूतकाल क्या होता है? जो निकल गया हो। किसे कहते हैं भूतकाल? जो निकल गया हो। जिससे बीते हुए समय में कार्य होने का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जो कार्य हो चुका है उसका उस समय का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। जैसे नूतन खाना खा रही थी, नूतन ने क्या पहले क्या था? हमारा नूतन खाना खा रही है तो वो क्या है? चल रहा है। अभी क्या? नूतन खाना खा रही थी, उसने क्या हुआ है? खाना माने वो उसने खाना खा लिया है। हमारा क्या है? जो हो जाता है ना, जो भी कार्य पूरा हो जाता है उसको क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। दूसरा क्या है हमारा उदाहरण? महेश मेरठ गया था। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अब हमारा थर्ड क्या होता है? तीसरा कौन सा होता है? भविष्यकाल। जिससे आगे आने वाले समय में कार्य होने का ज्ञान हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल क्या होता है? जिससे आगे आने वाले समय में कार्य होने का ज्ञान हो कि वह कार्य होगा, उसको हम क्या कहते हैं? भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, तो हमारा उदाहरण के लिए हम क्या कहेंगे? राम कल पढ़ेगा। तो राम क्या करेगा? कल पढ़ेगा। हर्षवर्धन कल दिल्ली जाएगा। इससे भी क्या है? अब अभी वो गया तो नहीं है ना, हुआ वो जाएगा ही, अब वो करेगा ये काम। राजकुमार कल नहीं जाएगा। तो ये राजकुमार, अभी हमारे थर्ड उदाहरण में क्या है? राजकुमार कल नहीं जाएगा। ये भी हमारा काम हुआ भी नहीं है ना चल रहा, ये क्या होएगा? तो ये हमारा क्या है? भविष्य काल। तो हमारे काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे तीन प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में क्या हो रहा है? कोई भी कार्य जो चल रहा है उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल में जो भी कार्य हमारा पूरा हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और भविष्यकाल में क्या होता है? जो भी कार्य हम करेंगे या करने वाले हैं उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? काल होते हैं। थैंक यू।